न जाने कितने सितारे बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, लेकिन हर कोई मुकद्दर का सिकंदर बन जाए ये ज़रूरी तो नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे रहे हैं जो शुरुआती सफलता के बाद गुमनामी के गहरे अंधेरे में खो गए। इन्हीं सितारों में से एक है अभिनेता फराज खान। 90 के दशक के दौर में गोरे रंग और घुंघराले बालों वाले इस हैंडसम अभिनेता ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी थी। फराज खान मशहूर अभिनेता रहे यूसुफ खान के बेटे हैं। 1996 में फराज ने विक्रम भट्ट की थ्रिलर ड्रामा फरीब से डेब्यू किया था, लेकिन अब फराज गुमनामी के अंधेरे में ही जी रहे हैं। किसी को नहीं पता कि फराज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर और एक्टर निखिल द्विवेदी ने फराज खान को ढूंढने के लिए मुहिम शुरू की। फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर निखिल ने लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि फरीब फेम अभिनेता फराज खान अब कहाँ हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी ये सवाल अब वायरल हो रहा है कि कहाँ है फराज खान, गुमनामी के कौन से अंधेरे में खो गया है वो अभिनेता जिसकी किस्मत के स्टारडम से सलमान खान के सितारे बॉलीवुड में बुलंद हो गए। जी हाँ, बॉलीवुड में फराज खान के लिए अक्सर कहा जाता है कि जिस फिल्म से सलमान खान को रातों रात बॉलीवुड में स्टार स्टेटस हासिल हो गया, उस फिल्म के लिए पहली पसंद फराज खान थे। निर्देशक सूरज ने 1989 में रिलीज हुई अपनी फिल्म मैंने प्यार किया के लिए फराज खान को साइन किया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही फराज बीमार पड़ गए थे। सूरज अपनी फिल्म की शूटिंग रोकना नहीं चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने फराज खान को सलमान खान से रिप्लेस कर दिया। फिल्म जबरदस्त हिट रही और सलमान उभरते हुए स्टार बन गए, वहीं फराज को डेब्यू करने के लिए 7 साल का इंतजार करना पड़ा। 1996 में फराज ने विक्रम भट्ट की फिल्म फरीब से सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी। फरीब एवरेज हिट रही थी, लिहाजा फराज के करियर को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। इसके बाद फराज ने पृथ्वी और लव स्टोरी 98 में काम किया। ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसके बाद आई फिल्म मेहंदी 1998 में रिलीज हुई। फिल्म मेहंदी से फराज के काम को पहचान मिली, लेकिन इसके बाद ही फराज खान का करियर ढलता चला गया। साल 2005 में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी सूरज ढल गया। आज फराज लाइमलाइट से कोसों दूर है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। कुछ ही महीनों पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ये शख्स फराज खान है। इस तस्वीर में वो पूरी तरह से बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पहचानना भी मुश्किल है। कहते हैं कि फराज अब बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ क्या करते हैं इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।